नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदी दिवस के कार्यक्रम में। सितंबर 14 आते ही हर हिंदुस्तानी हिंदी के रंग में डूबते नजर आते हैं, और होंगे क्यों नहीं। राष्ट्र का गौरव, राष्ट्रभाषा का सम्मान देना हम सबका कर्तव्य है। और जब चारों ओर हिंदी दिवस का धूम मचा हुआ है तो हमारा विद्यालय इससे कैसे दूर रह सकता है। बिल्कुल सही कहा अंतरा। BBPS हर भारत के पर्व को बड़े हर्षोल्लास से मनाता है, और जब बात हो राजभाषा की तो हमारा विद्यालय इसको भी अनोखे अंदाज से मनाता है। अरे, अनोखे से याद आया, तुम बता रही थी कि इस साल भी हमारा विद्यालय और भी नया और भी मनोरंजक रोचक जानकारियों से भरा कार्यक्रम करने वाला है। इंतजार यही खत्म करते हैं, हो जाइए तैयार। अंतरा के साथ आप सभी को लेकर चलती हूँ एक अनोखे एक मनोरंजन कार्यक्रम में। कार्यक्रम का शीर्षक है मेरी हिंदी। नमस्कार, मैं अयुष्का हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में अपने कुछ विचार व्यक्त करना चाहूंगी। हर साल 14 सितंबर को भारत में हिंदी दिवस मनाया जाता है। 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा को भारत में कार्य करने एवं राजभाषा का दर्ज आधिकारिक रूप से दिया गया था। तभी से 14 सितंबर का दिन हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं हिंदी दिवस क्यों मनाया जाता है? इसके पीछे एक वजह है। दरअसल साल 1947 में जब भारत अंग्रेजों के हुकूमत से आजाद हुआ था तो भारतीय के सामने भाषा को लेकर सबसे बड़ा सवाल था, क्योंकि भारत में सैकड़ों भाषा बोली जाती है, लेकिन इसमें से कौन सी राष्ट्रभाषा चुनी जाएगी, ये मुद्दा काफी अहम था। काफी सोच विचार के बाद हिंदी को राजभाषा के रूप में चुना गया। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने एक मत के परीत की कि हिंदी ही राजभाषा होगी। हिंदी दिवस इसलिए नहीं मनाया जाता कि वह हमारी राजभाषा है, बल्कि इसलिए भी मनाया जाता है क्योंकि हिंदी सदियों से हमारी भाषा रही है और हमें इस भाषा का सम्मान करना चाहिए। धन्यवाद। भारत की भाषा है हिंदी।
प्यारी है, इस भाषा पर सारी दुनिया वारी 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 है। हम हैं हिंदुस्तानी, भाषा हमको प्यारी है, इस भाषा पर सारी दुनिया वारी 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 है। चारों वेदों के पन्नों में जो गूंजे अभिराम, राम कृष्ण की वाणी है ये और गीता का ज्ञान। चारों वेदों के पन्नों में जो गूंजे अभिराम, राम कृष्ण की वाणी है ये और गीता का ज्ञान। इसके शब्द की शोभा न्यारे 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 हम प्यारी है, इस भाषा पर सारी दुनिया वारी 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 है। गंगा सी पावनता जिसमें है शिखरो सामान, उस भाषा के हम भाषी है हमको अभिमान। गंगा सी पावनता जिसमें है शिखरो सामान, उस भाषा के हम भाषी है हमको अभिमान। हम ना भूल सकेंगे इसको जब तक जान हमारी है, हम हैं हिंदुस्तानी, हिंदी भाषा हमको प्यारी है, इस भाषा पर सारी दुनिया वारी 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 है। ऋषियों की वाणी ये भाषा, कवियों का सम्मान, प्रेम भाव का पाठ पढ़ाता हर पुस्तक का ज्ञान। ऋषियों की वाणी ये भाषा, कवियों का सम्मान, प्रेम भाव का पाठ पढ़ाता हर पुस्तक का ज्ञान। इसकी खुशबू से महकी ये प्यारी 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 है, प्यारी है, इस भाषा पर सारी दुनिया वारी 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 है। हम हैं हिंदुस्तानी, भाषा हमको प्यारी है, इस भाषा पर सारी दुनिया वारी 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 है। हिंदी ही अपनाए हम भारत का भाव।